श्री विदुर और उद्धव जी का मंगल में मिलन श्री धाम में हुआ। दोनों एक दूसरे के भाव में डूब गए और श्री उद्धव जी बड़े प्रेम से भगवान श्याम सुंदर की दिव्य व्रज लीलाओं का गान करने लगे। हे विदुर, आप कैसे श्रेष्ठ हैं, आपको श्याम सुंदर के परम सानिध्य की प्राप्ति हुई है, सदा 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 आपने भगवान की संपूर्ण लीलाओं को प्रत्यक्ष देखा है। हे उद्धव, आपका क्या कहना, आप द्वारिका में भी श्री कृष्ण के साथ उनके अंतरंग कृष्णस्य दयित सखा, श्री कृष्ण के दयित सखा के रूप में आप विराजमान। तो उद्धव कहवे, ना ना मेरी क्या कहनी, मैं तो सदा भगवान के साथ तो जरूर रहा हूं, पर आपको पता है कि जब प्रभु मेरे साथ होते उस समय जब कोई चर्चा करते तो सबसे पहले आपका नाम लेते। विदुर कैसे हैं, प्रभु आप बड़े हो, मैं तो साथ रहा हूं, आप तो सदा उनके स्मरण में रहे हैं। यही तो संत का स्वभाव है महाराज। अभिमानी मिले तो मैं करता रहता, बकरा करता रहता ना, मैं। श्रीमन महाप्रभु कहते हैं, अमानिना मान देना कीर्तवनीय सदा हरि। वैष्णव का लक्षण क्या है? वैष्णव का लक्षण कोई और बाह्य वस्तु नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी सुंदर वैष्णवता की व्याख्या की है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तवनीय सदा हरि। तिलक जी विराजमान करना परम सौभाग्य है, परम धर्म है, पर कैसा भी प्रयास कर लो उसके बाद भी ऐसी भीषण गर्मी में परिक्रमा लगाओ, जाओ बैठो, पसीना आवे, हो जाए तिलक बह गए हो महाराज। परंतु स्वभाव कैसे छूटेगा, अपने आप को तृण के समान सहज समझने वाला, वृक्ष के समान जो सहनशील हो, जिसमें धैर्य हो, सहन हो। पेड़ में कई बार पत्थर भी मारो तो वो पेड़ फल दे देता है। और अमानिना मान देना, अपने आप को अमानी और दूसरे को सदा सम्माननीय समझे, और इन तीनों के बाद कीर्तवनीय सदा हरि, सदा हरि का संकीर्तन स्मरण करता रहे। ये चार गुण वाला जो जीव है वही वैष्णव है, भक्त है महाराज। अमानिना मान देना,